दोस्तों, आज के समय मानव जाति के अंतर्गत लगभग 8 अरब लोग इस पृथ्वी पर निवास करते हैं। जैसा आज हम एक मानव को देखते हैं, मानव आज से कुछ साल पहले ऐसा नहीं दिखता था। पहले के समय में कोई भी यातायात के साधन नहीं होते थे। आज के समय इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है। जैसे कि आपने हाल ही में देखा होगा कि चंद्रयान 3 जैसी बड़े बड़े मिशन से आज इंसान सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुंच चुका है, जो कि आधुनिक इंसान कुछ भी करने में सक्षम है, जो कि वह पहले के समय बिल्कुल भी नामुमकिन था। आज इंसानी दिमाग बहुत ज्यादा विकसित हो गया है, जो कुछ भी करने की क्षमता रखता है। लेकिन पहले ऐसी परिस्थिति नहीं थी। पहले के लोगों के द्वारा दिमाग का बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता था तथा उनका दिमाग आज के मानव की तुलना में बहुत ही कम विकसित था। जैसा कि आपको पता होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पहले हुई थी, लेकिन पृथ्वी पर मानव जीवन की शुरुआत लगभग 40,000 लाख वर्ष पहले हुई थी, जिनको आदिमानव का नाम दिया गया था। दोस्तों, ह्यूमन एवोल्यूशन से जुड़ी सभी घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक लाइक हमारी टीम को मोटिवेट करता है, जिससे कि हम एक और नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचा सके। तो बिना किसी देरी की बढ़ते हैं आदिमानव के इतिहास की ओर। आदिमानव हमेशा भोजन की तलाश में रहते थे। यह आपस में एक झुंड बनाकर जंगलों में इधर उधर भोजन की तलाश करते थे। इनको भोजन के अलावा किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था। यह ना तो कपड़े पहनते थे तथा ना ही किसी तरह के अन्य कार्य में रुचि रखते थे। शुरुआती समय में इनका सिर्फ एक ही काम होता था और वह था सिर्फ भोजन की तलाश। पहले यह जानवरों का कच्चा मांस खाते थे। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन की घटना ने इन आदि मानव के जीवन में बहुत कुछ बदल दिया था। एक दिन यह पत्थरों को आपस में टकरा रहे थे, जिसके फलस्वरूप जंगल में आग लग गई थी तथा उसमें काफी पशु जल गए थे। तथा जब उन्होंने इन जले हुए पशुओं को खाया तो उनको यह काफी स्वादिष्ट लगे थे। तो उसके बाद से आदिमानव ने पशुओं को पकाकर खाना शुरू कर दिया था, जिसके लिए यह पत्थरों को आपस में टकरा कर आग लगाते थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने खेती करना शुरू किया। उसके बाद यह अलग अलग नदियों के पास जाकर बसने लगे और इसी से इन अलग अलग सभ्यताओं का निर्माण हुआ। उसके बाद धीरे धीरे जब आदिमानव के दिमाग का विकास होने लगा तो उन्होंने लोहे के बने बर्तनों और औजारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। कभी समय बीत जाने के बाद उन्होंने अपना घर बनाना भी शुरू कर दिया था। उसके बाद अनेक सभ्यताओं की खुदाई करने पर इस बात के भी परिणाम मिले हैं कि उस समय भी सिक्कों का इस्तेमाल होता था। उसके बाद हजारों वर्ष पहले कई गांव नष्ट हो गए थे। इनके घर तथा उनकी सभी चीजें धरती के अंदर समा गई थी तथा उनकी खुदाई करने पर आप इनके बारे में जानकारी मिलती है। उस समय से लेकर आज तक लगातार मानव अधिक विकसित होता गया है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।